नमस्कार आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूँ कृष्णा रण सिंह शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण रोचक जानकारी के साथ इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ और जो 2012 के बाद शिक्षक बने हो अर्थात जो टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर यदि शिक्षक बने हो चाहे वह वन टू फाइव का हो या तो सिक्स टू एट का हो चाहे अपर क्लास का हो यदि वह टेट क्वालिफाई करके शिक्षक बने हो या तो फिर सी टेट क्वालिफाई कर शिक्षक बने हो या तो फिलहाल जो वर्तमान में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है उसमें शिक्षक बनने की जिनकी ख्वाहिश है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी तो निश्चित रूप से यदि आप 2012 के शिक्षक हैं तो आपके पास यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं यह रिजल्ट कार्ड है और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यानी कि बी ई टी ई टी दो हज़ार ग्यारह का है तो यह रिजल्ट कार्ड आपके पास निश्चित रूप से होगा और मन में ऐसी जिज्ञासा जगती होगी कि क्या वाकई में मेरा यह जो रिज़ल्ट कार्ड है जो विभाग की ओर से सूची डाली गई है उसमें मेरा नाम है या नहीं है तो यह सभी लोगों की एक निश्चित रूप से जिज्ञासा जगनी चाहिए भी और जो ही आप इस बात से संबंधित बातें करेंगे और यदि आपको इस बात की जानकारी होगी तो आपका प्रयास होगा आपका सोच होगा कि ज़रूर एक बार उस सूची में सर्च कर अपना रोल नंबर डालकर जरूर देखा जाए तो इसका एक स्पेसिमेन है यहाँ पे रिजल्ट कार्ड का जिसमें एक नंबर में कैंडिडेट्स का नाम रहता है उसके बाद फिर फादर्स नेम इसे मैं गोपनीय रखा हूँ फादर्स नेम है उसके बाद रोल नंबर भी यहाँ दिया हुआ रहता है देख सकते हैं इतने अंकों का रहता है फिर अप्लाइड फॉर तो यदि आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा पेपर फर्स्ट और लैंग्वेज यानी कि सब्जेक्ट ऑफर्ड है तो पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी उसके बाद लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश और यदि आपका पेपर सेकंड भी अप्लाइड है ऑफर्ड है तो इसमें भी जो भी पेपर है वो आप स्पष्ट रूप से अपने जो रिज़ल्ट कार्ड है उससे समझ सकते हैं और सातवां नंबर में है यहाँ पे इसको देख सकते हैं चार नंबर में कास्ट कैटेगरी है तो जिस कैटेगरी के आप हैं तो ईबीसी के हैं तो ईबीसी लिखा हुआ रहेगा यदि एस सी के हैं तो एस सी रहेगा यू आर है तो यू आर रहेगा, तो रहेगा उसके बाद सेवन्थ नंबर में पेपर फर्स्ट में फुल मार्क्स डेढ़ सौ का हुआ था जिसमें मार्क्स ओप यदि आपका निन्यानवे है और परसेंटेज यहाँ पे छियासठ परसेंट होगा और रिजल्ट में यहाँ पे क्वालिफाइड निश्चित रूप से शो किया हुआ होगा और यहाँ पे सेक्रेटरी का सिग्नेचर रहता है और प्लेस पटना फिर डेट चौदह पाँच दो हज़ार बारह इस प्रकार से मेंशन किया हुआ रहता है तो अब हम लोग समझेंगे इस बात को कि यह जो रोल नंबर दिया हुआ है इसी रोल नंबर की सहायता से जो हमारे पास लिंक अवेलेबल है हम उस लिंक पे भी बात करेंगे और मोबाइल पे जाकर या तो फिर लैपटॉप के माध्यम से आपके पास जो सुविधा हो उस सुविधा के अनुसार से आप देख सकते हैं उसी अनुसार से हम लोग यहाँ पे सर्च करके उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपका यहाँ पे बी टेट और सी टेट रिजल्ट चेक लिंक है सीरियल नंबर इस प्रकार से दिया हुआ है उसमें मैं बताऊँगा एग्ज़ाम डेट उसके बाद मंथ ईयर है तो बी टेट दो आ रहा है और यहाँ पर लिंक है तो इस लिंक या पी के रूप में है पी फाइल में है तो इस लिंक पे यदि क्लिक करेंगे तो आपका आ, एक पेज खुलेगा और उस पेज में इस रोल नंबर को डालने के लिए आपसे कहा जाएगा और उस रोल नंबर को डालने के बाद आपका नाम फादर्स नेम उसके बाद पेपर फर्स्ट के लिए यदि क्वालिफाइड किए हैं तो कितना मार्क्स ओवरटेन किए हैं उसको शो करेगा फिर उसका परसेंटेज क्या है हुआ भी और लास्ट में यदि आप क्वालिफाइड हैं तो वहाँ पर क्यू लिखा हुआ रहेगा तो चलिए इसको प्रैक्टिकली कर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है इसी स्थान पे उस वेबसाइट का नाम लिखना है जिसकी सहायता से हमें टेट रिजल्ट लिस्ट को देखना है ढूँढना है तो उसकी वेबसाइट है कोसी स्टडी डॉट कॉम तो यहाँ पे लिखिए कोसी के ओ एस आई स्पेस देंगे स्टडी एस टी यू डी वाई डॉट सी ओ एम उसके बाद इसे सर्च में ले आना है सर्च में लाने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा जो कि देख सकते हैं और यहाँ लिखा हुआ है लेटेस्ट अपडेट कोसी स्टडी इसी स्थान को यानी कि इसी लाइन को हमें पुनः क्लिक करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ और फिर बिहार टीचर नियोजन काउंसलिंग 2021 और इस लाइन को देखिए यह जो लिखा हुआ है बिहार टीचर नियोजन काउंसलिंग 2021 हज़ार इक्कीस डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट वाइज तो इसी लाइन पे फिर से हमें क्लिक करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है स्क्रीन पे और इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए बढ़ेंगे तो पूरा नीचे बढ़िए बढ़ने के बाद जहाँ पर जो वास्तविक लिंक है वहाँ पे मैं पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ तो इसका लिंक आप पढ़ते चलेंगे आपको थोड़ा सा समय इसमें देना है कहाँ पे लिंक है हम कोशिश करता हूँ जल्दी पहुँचने का देखिए आ चुका है बी टेट एंड सी टेट रिजल्ट चेक लिंक बिलो बिहार टीचर काउंसलिंग यह है तो इसी स्थान पे फिर से हमको क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ फिर इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर बढ़ना है और आप देख सकते हैं कि आपके सामने यह लिंक अवेलेबल है सीरियल नंबर है बी टेट दो हज़ार ग्यारह लिंक पी है उसके बाद जिसका भी आपको देखना है सी टेट जनवरी दो हज़ार बारह सी टेट मई दो हज़ार बारह और भी नीचे मेंशन किया हुआ है इसमें देख सकते हैं पूरा सारी व्यवस्थाएं इसमें दी हुई है जिस मंथ जिस ईयर का देखना आपको यहाँ पे देख सकते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पे बी टेट दो को देखना है तो इस स्थान पे जहाँ पे बताए थे लिंक पी इस इस स्थान पर इसी स्थान पर फिर से हमें क्लिक करना है चलिए क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ कुछ टाइम लेगा सर्वर स्लो के कारण से और आप देख सकते हैं कि पेज एक से दो हज़ार अट्ठावन तक इसमें कैंडिडेट्स का दिया हुआ है नाम अब हमें सिर्फ जिसका देखना हो यानी उसका रोल नंबर सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए या जो कॉर्नर में थ्री डॉटेड है इसी स्थान को फिर से हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया फाइंड फाइंड को क्लिक करेंगे तो यह जो कर्सर चल रहा है इसी स्थान पे हमें रोल नंबर देना है तो दो दो एक दो तीन चार चार एक है फिर जीरो नौ दो अब इसे सर्च में लाना है तो आप यहाँ पे देखिए इस स्थान पे यह जो मार्क दिया हुआ इसी स्थान को हमें क्लिक करना है फिर क्लिक कर चुके हैं और यह जहाँ पे रोल नंबर है वह ग्रीन हो चुका है देख सकते हैं स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और जूम करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम है ईबीसी मेल एन है एन यहाँ पे शो कर रहा है कि यह है हैंडी है या नहीं तो उसी को नोट है और इसमें टोटल निन्यानवे मार्क्स यहाँ पे है उसके बाद इसका परसेंटेज छियासठ है फिर यहाँ पे देखिए क्वालिफाई लिखा हुआ है तो यदि आप पेपर सेकंड के लिए भी दिए हैं तो इसी प्रकार से यह जो लिस्ट है यह जो पेज खुलता है सभी कुछ मिलेगा कैंडिडेट का जो भी रोल नंबर डालेंगे आप इसकी सहायता से आप अपना रिजल्ट कार्ड आसानी से देख सकते हैं तो निश्चित रूप से यह जो जानकारी थी यह सभी शिक्षकों के लिए और जो अभी का वर्तमान में शिक्षक अभ्यर्थी है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड बाय